तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि DAB पीजी कॉलेज देहरादून, यानी कि उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है अंडर ग्रेजुएट की। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और एक एक जो कोर्स है सबकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मेरिट लिस्ट कितनी हाईएस्ट गई है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले गूगल पे जाके हम टाइप करेंगे क्या DAB पीजी कॉलेज देहरादून, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे बॉटम आप जाएंगे तो एक लिंक आएगा DAVPGCollege.in, जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोटिस बोर्ड में जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, नोटिस बोर्ड पे आपको सारी चीज़ मिलेगी डिटेल में कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और मैं आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं मेरे लिए BSc PMS सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही आप इसमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं एक एक करके सारी मेरिट लिस्ट आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हाजिर है पहली मेरिट लिस्ट, ये है। आप देख सकते हैं BSc PCM Semester 1, यानी कि जो कि PCM ग्रुप से BSc कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, ओपन जर्नल ओपन मेरिट लिस्ट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो आप मेरिट लिस्ट देख रहे हैं जर्नल कैटेगरी की, वो 94.40 गई है। तो मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने कल या फिर डे फोर स्टडे MKP कॉलेज की मेरिट लिस्ट बताई थी, जहां पर भी यही सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कितनी हाई मेरिट लिस्ट इस बार जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मोर देन वन कॉलेजेस और कैंपसेस में आप अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इस बार मेरिट बेस पे है, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। एंट्रेंस पे होता तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। ये अकेडमिक सेशन 2021 के लिए, और जो एडमिशन होगा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एडमिशन होगा 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और उसके अलावा क्या करना है आपको एडमिशन के लिए, तो मैं आपको मैं बता दूं, एडमिशन भी इनकी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया था MKP कॉलेज की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाइए, अदरवाइज चैनल के लिंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा इनके वेबसाइट पे, जिस पे आप क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना होगा। वहाँ से आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर अप्लाई करने के बाद फीस का प्रिंट आउट लेना है, फीस जमा करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट है, आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूँ, 96.4, 95, 95, 95, 95, 95। और कल ही मैंने एक प्री मेरिट लिस्ट HNBU गढ़वाल यूनिवर्सिटी की भी जारी कर दी है, उससे रिलेटेड वीडियो, तो आप देख सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा लिस्ट है एडमिशन की प्रोसेस का, ये आप ये देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज ये ओपन है, तो हो सकता है कि एक बार अगर सीट्स के अगर सीट्स अवेलेबिलिटी लगी, कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हमारे तो इतनी हमारी हो गया नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जैसे ही इसमें एडमिशन हो जाएगा, और डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इससे बेटर कॉलेज में चांस मिल गया होगा तो वहाँ वो एडमिशन लेंगे, तो मेरिट लिस्ट दोबारा भी आएगी, हो गया। अब ये हो गया BSc PCM फर्स्ट सेमेस्टर का। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पे। ये देखिए फ्रेंड, दूसरी हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो है आपकी BSc PMS की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर 96.20 गई। अभी तो मैं एक लिस्ट और मेरिट बताऊँगी जहाँ पर 100 out of 100, सोचिए आप कि मतलब ये सभी जिस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 90% जो स्टूडेंट हैं वो CBSE के हैं, क्योंकि जो ऑल एन एवरेज उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया था वो 80 से लेकर 84 के एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज 80 से लेकर 84 के आसपास आया था। तो इसमें 10% ही उत्तराखंड बोर्ड के होंगे, बाकी तो 90% भाई CBSE या फिर अदर बोर्ड के होंगे। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इंस्टा और ट्विटर पर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 96.2, 95, 93, 93, ये इसकी पूरी मेरिट ओपन, मैं आपको बता दूँ ये मेरिट लिस्ट पूरी ओपन है, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी शो, आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ। अब चलते हैं अगली लिस्ट पे।
जी हाँ फ्रेंड्स, ये अगली लिस्ट है हमारी बीए की, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, सारे एडमिशन आपके 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में ही होंगे। तो आप देख सकते हैं बीए में 98, सोचिए आप बीए में 98, अभी तो आपने 95 देखा और 96 देखा, अब 90, आप देखिए अंत में आप 100 तक भी आ जाएंगे। सोचिए आप, ये मेरिट लिस्ट गई है 98, 97, 97.90 से 95। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, मैं आपको नीचे दिखा दूँ, मिनिमम आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लोगों ने लगता है भरा है इस बार। तो आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम मेरिट लिस्ट 67 तक जा रही है, बाकी पता नहीं भगवान जाने और कितनी नीचे तक जाएगी, 58 तक आसपास गई है, ठीक है। तो 58 तक के आसपास गई है, आई होप सर कि आप सभी का एडमिशन हो गया होगा, बाकी एमकेपीसी और देहरादून और बाकी फिर एचएनबीयू फिर केयू की भी आनी बाकी है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब ये जो मेरिट लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की, जहाँ पर ये जो कैटेगरीज एक्स डिफेंस की, यहाँ पर तो 72 है, देन आपकी जनरल फ्रीडम फाइटर्स की है तो 62 है। अब मैं ओपन पे आ जाता हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे, ओपन पे जो देखिए 100, मतलब कि 100 मेरिट लिस्ट गई है ओपन की। और इनका नाम मैं बता दूँ, इनका नाम है दीपक सिंह रावल, ठीक है, दीपक सिंह रावल है, और जनरल कैटेगरी 100 मार्क्स इन्होंने ऑप्टेन किए हैं। तो सोचिए आप बीकॉम 100, पहले आपने 96 देखा, 95 देखा, 96, 97, 98, आप देखिए 100, मतलब कि 100 में अगर आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है तो सोचिए आप की जगह पर स्टैंड करें। तो बीकॉम में सबसे तगड़ी फाइट है बीकॉम में। ओके फ्रेंड, बाकी बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएससी में तो एडमिशन फिर भी हो जाएगा, बट बीकॉम की सेकेंड लिस्ट आएगी, मुझे कमी उम्मीद है, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। तो 100 इसकी मेरिट लिस्ट गई, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपटीशन है। अब चलते हैं अगली, तो जो अगली और हमारी लास्ट मेरिट लिस्ट है वो है बीएससी सीबीजेड, यानी कि केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी की। इसमें भी आप देख सकते हैं 98.6 के आसपास स्टार्टिंग है मेरिट। तो जब इतनी खतरनाक मेरिट लिस्ट बनेगी तो सोचिए कि एडमिशन के क्या हाल होंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसका डाउनलोड आप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो आपको मैंने पूरा स्टार्ट में बता दिया है कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कैसे आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, पहली बार अगर आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में हो जाए तो आपको ये करना है। अभी जस्ट आज ही रिलीज हुई, तो इसके बाद हो सकता है कि एक लिंक आपको मिलेगा री एडमिशन का, जहां पे आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा, वहां पर आपको फी हो सकता है ऑनलाइन कर दें आप ही, लेकिन एमके पीजी में तो ऐसा नहीं था ऑनलाइन, लेकिन उसमें ऑफलाइन जमा करना था, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। देखते हैं इनका क्या प्रोसीजर होता है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फो आएगी। तो तब तक यार मेरिट लिस्ट को एंजॉय करो, जिनका हो गया है कमेंट सेक्शन में बताओ, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, जिनका नहीं हुआ वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेरिट लिस्ट ऐसी आती है और जाती रहती है, बस अपना होप और डिटर्मिनेशन अपने कैरियर के प्रति बनाए रखना। बाकी तो वीडियो पूरी देख ही ली होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आ जाओ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।